Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Musafir the Wanderer. Last video में आपने देखा कि मैंने बद्रीनाथ धाम के दर्शन करे और बद्रीनाथ धाम से दर्शन करने के बाद मैं बढ़ चला माना विलेज जो कि है इंडियाज लास्ट विलेज एट उत्तराखंड साइड और बद्रीनाथ धाम से इसकी डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। माना पास जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पास, यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर है बट वहां पर सिविलियंस अलाउड नहीं है और सिर्फ ITBP या आर्मी के ही लोग जा सकते हैं या फिर आपकी पहुंच काफी ऊपर तक हो तो आप परमिशन लेकर जा सकते हो। खैर मुझे तो इसी बात से खुशी हो रही थी कि मैं माना विलेज घूम सकता हूं क्योंकि कोविड की वजह से पूरा विलेज टूरिज्म के लिए बंद था और जिस दिन मैं गया उससे सिर्फ एक ही दिन पहले ओपन हुआ था, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। देख रहे हो तो गाइस ये है माना विलेज, लोकल्स अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो ये रहा, दुकान भी है वैसे लोकल्स में, कुछ खरीद सकते हो, खरीदना चाह रहे हो तो। और बिल्कुल ही पहाड़ों में घुसा हुआ गाँव है, ये देखो वुलन्स शॉप्स हैं कुछ खरीदने के लिए, ऐसे तरीके से खाने पीने की भी शॉप है और कमरा यहाँ पर उपलब्ध है तो यहाँ स्टे के ऑप्शन भी है। क्या रेट है आंटी? हाँ 100 और कैप? हाँ 150। ठीक है, अब सॉक्स कितने की है? 150। ठीक है अभी आके देखते हैं। तो सॉक्स 150 और वो 150 और 100 का था। शॉल भी है यहाँ पर और ये देखो यार स्ट्रक्चर देखो आप घरों का स्ट्रक्चर, ये देखो कितना ओल्ड है, छोटा सा बना हुआ है और सारे आप देख रहे हो ना जिस शेप में है ये, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है। देखो ये कितना ओल्ड स्ट्रक्चर है ये देखो बहुत पुराना है और हम बिल्कुल गांव के अंदर आ गए। ये देखो ओल्ड पूरा, यहाँ से रास्ता जा रहा है पीछे और पूरा ही देखते हैं। ये मंदिर है जय श्री घंटा कर्ण महावीर, तो ये हम मंदिर के अंदर आ गए और यहाँ से भी पीछे जाने का रास्ता है आई गेस, पीछे रास्ता। ये रास्ता है भैया? मैं तो ऐसे जा रहा हूँ सरस्वती जी का, जहाँ से स्टार्टिंग होता है वो है। देन भीम पुल है एंड देन फर्स्ट एक राइट होगा वो आपको वेद व्यास के जहाँ पे महाभारत लिखा था वो सब लिखा जाएगा। अच्छा अच्छा, तो स्ट्रेट जाएंगे, गो स्ट्रेट एकदम, कहीं मत लेना। ठीक है ठीक है, सीधा आपको सामने एंड दिखेगा वहाँ से सरस्वती जी का स्टार्टिंग। ओके 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 ठीक है, लेफ्ट साइड तो कुछ है नहीं होता। ठीक है ठीक है, राइट साइड जाएंगे तो वेद व्यास का। ठीक है थैंक यू थैंक यू। तो अभी यहाँ भीम पुल तक जाएंगे हम, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माना विलेज के अंदर एंट्री मिलेगी। तो जी हम भीम पुला तक जाएंगे, वहाँ ऊपर वहाँ से सरस्वती जी जहाँ का उद्गम है। इस तरीके से यहाँ पर सामग्री भी मिल रही है हवन करने के लिए, तो मैं आपको वहीं मिलता हूँ, पूरा गांव तो आपको भी क्या दिखाऊंगा। वैसे तो इस विलेज की काफी सारी स्टोरी फेमस है बट इसी विलेज को पार करके पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। जब पांडव स्वर्ग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तब उन्हें एक पहाड़ को पार करना था और बीच में से नदी जा रही थी,
तो द्रौपदी उसको पार नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए भीम ने एक बड़ी सी चट्टान को उठाकर दोनों पहाड़ों के बीच रख दिया और इसीलिए इस जगह को भीम पुल भी कहा जाता है। और सच में इसको देख के यही लगता है कि किसी ने इसको दोनों पहाड़ों के बीच रखा हो, एग्जैक्टली इन बिटवीन। और भीम पुल से शोर मचाती हुई सरस्वती नदी को देखना भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये नदी कुछ दूर जाकर अलकनंदा के साथ संगम करती है और संगम को केशव प्रयाग कहते हैं। सतोपन ट्रैक भी यहाँ से ही स्टार्ट होता है जो कि 25 किलोमीटर का काफी डिफिकल्ट ट्रैक है। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों के बीच बसा ये खूबसूरत सा गांव अपने आप में हजारों साल का इतिहास सजाए बैठा है। और इस गांव के लोगों का, स्पेशली लेडीज का पहनावा बहुत डिफरेंट था। मुझे यहाँ आकर काफी अच्छा लगा और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ आए एंड लोकल से कुछ ना कुछ जरूर खरीदे। ऐसा करने से आप अपने क्लोज वन के लिए सुविनियर लेके जा सकते हैं और इनडायरेक्टली लोकल इकोनॉमी में भी हेल्प करोगे। माना विलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत सा झरना दिखता है जिसको वसुधारा वाटरफॉल भी कहा जाता है। सच मानिए, अगर आपके पास टाइम है तो 5 किलोमीटर का ट्रैक जरूर करना। माना विलेज घूमने अगर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर भीम पुल, वशिष्ठ गुफा, सरस्वती उद्गम स्थान, केशव प्रयाग और साथ के साथ ही आप हिंदुस्तान की आखिरी दुकान पर चाय भी पी सकते हैं। तो यार ये था सफर माना विलेज का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो योर थॉट्स। और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।